देवता, आप लोग जानते ही हैं यज्ञ वगैरह पूजा पाठ करते हैं देवी देवताओं के, उनको दान करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया है संक्षेप में, डिटेल में तो नहीं बताया है, आगे बताएंगे कि स्वर्ग का मतलब है कि इष्टा पुरुषम मन्यमानं वरिष्ठं नान्यच्छेयो भेदयन्ते ब्रह्मणा नाकस्य पृष्ठे ते चित्तेन भूतेव लोकविहीन चरम वाक्षन्ति। जो स्वर्ग जाने की चेष्टा करता है उसके लिए वेद कहता है वो घोर मूर्ख है, प्रभुरा है, क्योंकि स्वर्ग हमें केवल उतने दिन को मिलेगा जितने दिन का हमने पुण्य कर्म किया है बस, और भोगने के बाद फिर कुत्ता बिल्ली गधे की योनियों में जाना पड़ेगा। और अनंत बार हम लोगों को स्वर्ग मिल चुका है, आप सब लोग हैं कई बार इंद्र बन चुके हैं और कई बार कुत्ते बिल्ली गधे भी बन चुके हैं, तो ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करने से क्या फायदा कि जो कुछ हमने किया और वो वहां जाकर के भोगने के बाद समाप्त हो जाए। जैसे आपने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा किया और हर महीने 10-10,000 निकालते गए और 10 महीने में आपका 1,00,000 रुपए खत्म हो गया, उसके बाद आप बैंक पैसा निकालने जाएंगे तो आप भगा दिए जाएंगे वहां से, तो आप कहेंगे हमने तो 1,00,000 रुपए जमा किया था, आप हमें भगा क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम जो एक एक महीने 10-10,000 निकालते गए तो तुम्हारा तो पैसा समाप्त हो गया, अब जब दोबारा पैसा जमा करना तब तुम बैंक आना, उसके पहले मत आना। ऐसे ही हम जितना कर्म करते हैं, कर्म धर्म का पालन करते हैं, तो उससे हमें स्वर्ग जो मिलता है, तो जितने दिन का हमने पुण्य कर्म किया उतने दिन हम भोगेंगे, उसके बाद हमें फिर हीन चरम वाक्षन्ति हीन योनियों में पटक दिए जाएंगे। तो स्वर्ग तो नश्वर है, अनंत बार मिल चुका और नष्ट हो जाएंगे, हम वहां से फेंक दिए जाएंगे, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, नाम को बदला नहीं है। अगर राजसी व्यक्ति को दान किया सांसारिक मनुष्यों को, तो इसी पृथ्वी लोक में आ जाएंगे, ये भी आवश्यक नहीं कि मानव देह मिले। और अगर तामसी वृत्ति वाले को दान किया, जो शराब पीता है, चोरी करता है, डकैती देता है, गंदे गंदे कर्म करता है, उसको दान किया तो नरक निश्चित है। और अगर चौथे व्यक्ति को दान किया, महापुरुष को दान किया, निर्गुणा भक्ति वाले को दान किया, भगवत भक्ति वाले वास्तविक स्वरूप को दान किया, तो हमारा दान सही दान है, तो हमें भगवत भक्ति मिलेगी, भगवत कृपा मिलेगी। सामान एक सा है, चाहे आटा दाल चावल आप तामसी व्यक्ति को खिला दीजिए, चाहे राजसी को खिला दीजिए, चाहे सात्विकी को खिला दीजिए, चाहे महापुरुष को खिला दीजिए, सामान एक सा है, लेकिन उसके उसका जो परिणाम होगा उसमें भयानक अंतर है। इसलिए जब भी दान करो सोच समझ कर करूंगा, जब तक नहीं पता तब तक मत करो, लेकिन आप लोगों को पता करना भी पड़ेगा, अगर नहीं पता करेंगे तो कल्याण कैसे करेंगे, क्योंकि कलयुग में एकमात्र दान से ही कल्याण हो जाएगा, क्योंकि दान से हमारा हृदय भी शुद्ध होगा। और अगर हम किसी भगवत भक्ति वाले को दान करेंगे तो जिसको दान करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जैसे व्यक्ति को दान करेंगे वैसा ही हमारा मन होता है, वैसी ही हमारी बुद्धि होती है, वैसे ही हमारा कर्म होता है, और जैसे मन बुद्धि कर्म होगा वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनेगा। तो इसीलिए
साथ भी वो उपदेश दे रहे हैं। आप लोगों को किसी को थोड़ा सा बुखार आ जाए, थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? आज कथा में नहीं जाएंगे, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। और जिनको इतने बार लगे हुए हैं वो उपदेश दे रहे हैं, और देखिए इतने बार लगने के पश्चात भी 6 महीने तक उस बाड़ों की शैया पर पड़े हैं भीष्म पितामह, लेकिन उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। आज के विज्ञान के हिसाब से आपको जरा सा सुई चुभ जाती है तो आप फिटनेस का इंजेक्शन लगाने चले जाते हैं, उसको लगाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जिसको इतने बार लगे हुए हैं उनको क्या कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा? धूलि में पड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसका ये कारण है। क्या कारण है? एक बार जब भीष्म पितामह छोटे थे, यानी कि युवावस्था थी, उनका नाम देवव्रत था, तो उनको पता चला कि उनके पिता जो शांतनु है वो स्त्री में आसक्त है, मत्स्य कन्या में आसक्त है और कुछ दुखी दुखी रह रहे हैं। पूछने पर उन्होंने नहीं बताया, तो जो देवव्रत थे उन्होंने उनके मित्रों वगैरह से पूछा कि हमारे पिता दुखी क्यों रहते हैं। पता चला कि मत्स्य कन्या में आसक्त है, तो भीष्म पितामह मत्स्य राज के पास जाते हैं। सत्यवती जी हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो मत्स्यराज के पास जाते हैं। मत्स्यराज ने शर्त रख दी है कि अगर तुम मेरी पुत्री के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाओगे तब मैं अपनी पुत्री तुमको दूंगा, अन्यथा मैं अपनी पुत्री तुमको नहीं दूंगा। इसलिए शांतनु दुखी है। लेकिन जब उस देवव्रत को पता चला कि उनके पिता क्यों दुखी हैं, तो मत्स्यराज के पास जाकर के उन्होंने कहा कि हमारे पिता आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम तो उनके पुत्र हो और इतने योग्य हो और तुम उत्तराधिकारी हो, लेकिन मेरी ये शर्त है, अगर मेरी पुत्री का पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा तब मैं अपनी पुत्री दूंगा। तो भीष्म पितामह ने कहा बस इतनी सी बात है, उस समय उनका नाम देवव्रत था, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आपकी पुत्री का पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। तो मत्स्यराज ने कहा ठीक है, तुमने तो प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन क्या पता कल तुम्हारा विवाह हुआ उसके पश्चात तुम्हारे जो बच्चे हुए उन्होंने ये बात ना मानी। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं अग्नि को, सूर्य को, सभी देवी देवताओं को, दशों दिशाओं को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूंगा, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन। और सत्यवती को लेकर के शांतनु के पास पहुंचे, और जब शांतनु के पास पहुंचे तो उनके पिता बड़े गदगद हुए, लेकिन भीतर से थोड़ा दुखी भी हुए कि ऐसा पुत्र इसने कैसी प्रतिज्ञा ले ली। उसी
किया, धर्म का उपदेश देते देते उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अब आप खड़े रहिए जब तक कि मैं तुम्हारे परम धाम को ना प्राप्त हो जाऊँ। उस समय पश्चात भीष्म पितामह ने आँख बंद की और अपने दिव्य जीव तत्व को अपने शरीर से बाहर निकाला और भगवत धाम चले गए। इस प्रकार से भीष्म कथा सुनाई है, लेकिन वो भीष्म पितामह भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, ये भी आप थोड़ा सुन लीजिए। उसके लिए 2 मिनट आप लोग कीर्तन कर लीजिए, उसके पश्चात मैं आगे की कथा श्रवण कराऊंगी। बोलिए बाके बिहारी लाल।